नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। गुजरात में चुनावी मौसम में आई एक फिल्म पर विवाद खड़ा हो गया है। ये फिल्म किसी और पर नहीं, पाटीदारों के नेता हार्दिक पटेल पर बनी है और गुजरात के पाटीदार आंदोलन की पृष्ठभूमि पर बनी है। ये फिल्म ठीक गुजरात चुनाव के वक्त आई है, इसलिए इसका मकसद भी समझा जा सकता है। लेकिन फिल्म के जरिए जो विचार फैलाया जा रहा है वो बड़ा हिंसक है। गांधी की धरती पर यह फिल्म हिंसा की बात करती है, लाठी डंडों और लाशें बिछाने की बात करती है। तो क्या हार्दिक पटेल हिंसा की पैरवी कर रहे हैं? इस बारे में जब इंडिया टीवी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने हार्दिक पटेल से पूछा कि क्या वो फिल्म में ऐसे संवादों का समर्थन करते हैं, तो आपको सुनाते हैं उन्होंने जवाब में क्या कहा। तो आप इसका समर्थन करते हैं इस तरह की बातों का? डेमोक्रेसी में, जहाँ पर हमें डेमोक्रेसी ने कहा है कि आप बिना हथियार के साथ विद्रोह या आंदोलन कर सकते हो, लेकिन हथियार के साथ आंदोलन नहीं कर सकते, उसमें मैं मानता हूँ। अगर डैमेज डेमोक्रेसी होती है तो उसके मैं समर्थन में नहीं। आप उसके समर्थन में नहीं? नहीं, बिल्कुल। तो हार्दिक पटेल साफ कर चुके हैं कि फिल्म में हिंसक विचारों का वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिल्म का उन्होंने स्वागत किया है। फिल्म देखी नहीं है, लेकिन हार्दिक पटेल ने तो ऐसा कभी कहा नहीं। वो तो कहते हैं कि जो हम अपनी आवाज उठाते हैं तो उसका जवाब गोली से नहीं होना चाहिए। युवा सभी देश के यही भाषा बोल रहे हैं, हम भी ये कहते हैं कि हमारे हर युवाओं को अपनी आवाज बात रखने का हक है और युवाओं की भाषा में रखने का हक है। पाटीदारों के समर्थन को लेकर हार्दिक पटेल और कांग्रेस के बीच कई दौर की बातचीत चल रही है, उस पर अब तो करीब करीब मुहर भी लगने वाली है। तो क्या आपकी कुछ इस तरह की बात हुई थी कि कैसी फिल्म आनी चाहिए इलेक्शन के पहले जिससे कि मैसेज जाए? मेरे कोई बातचीत नहीं हुई, उन्होंने अपने तरीके से किया है। पर उसके जो फिल्म का जो कथानक है, जो कंटेंट, उससे आप सहमत इत्तेफाक रखते हैं? वो सही है और सही, अच्छा हुआ लोगों को कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के साथ अगर कोई भावनात्मक चीज़ें जुड़ी जाए तो अच्छी बात है, उसमें क्या नुकसान है। हार्दिक पूरी तरह कहना तो ये गलत होगा कि उन्हीं के ऊपर पूरी फिल्म आधारित नहीं, पर आधा तो सही है, 50%। ये एक ऐसे युवक की कहानी है जो बेरोजगारी से परेशान है और अपने मुद्दे को जनता के सामने और सिस्टम के सामने रखना चाह रहा है कि जिस तरीके से उसको परेशानी आ रही है सिस्टम से, सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई है जो हमने पर्टिकुलर एक प्लॉट लिया है।